अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको सिखा रहे हैं ड्रमस्टिक्स, चाइनीज़ ड्रमस्टिक्स, चीज़ वाली ड्रमस्टिक कैसे बनानी है। सबसे पहले आप चिकन ले लें ऐसे लेग पीस, और फिर उसको ऊपर से नीचे की तरफ नीचे कर लेना ऐसे, जैसे मैं आपको करना सिखा रही हूँ ऐसे करें। तो उसकी सारी जो स्किन है ना, बिल्कुल ऐसे नीचे की तरफ लेके जानी है, बिल्कुल देखिए ऐसे। तो ये सारी ऐसे आराम से बिल्कुल एक गोलाई में लेके जानी है नीचे, ताकि वो रास्ते में उसका वो गोल होल टूटे नहीं ऐसे, बिल्कुल ऐसे नीचे अपने कर लेंगे, हड्डी से अलग कर लेंगे। वैसे ये बिल्कुल सारी नीचे आ जाएगी, तो ये ऐसे ऐसे बिल्कुल बन जाएगी, इसके अंदर ये होल सा रह जाएगा, इसके अंदर हम फिलिंग करेंगे। तो आप सब ऐसे कर लें, और फिर इसको मैरिनेशन के लिए हमें क्या चाहिए, लहसुन का पेस्ट, ब्लैक पेपर और काली मिर्चें। ये मैंने 2 दर्जन करके रखी हैं होल सारे रमज़ान के लिए, तो आप जितनी बनाने चाहें आप बना सकती हैं। अब इन पर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट पहले लगाऊँगी अच्छे से, एक एक को पकड़ के ऐसे हैंड से रब करें, देखें अच्छी तरह करके फिर इसमें इसको रख दें थोड़ी देर के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से इनके अंदर सारा लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जज्ब हो जाए। तो आप भी ऐसे कर लें, अब इन पे मैं डालूंगी नमक 1 टेबलस्पून ले लें, और मैंने हाफ़ इस तरफ रखी हुई हैं, हाफ मैंने दूसरी तरफ रखी हुई हैं, तो उस पे भी मैंने नमक डाल दिया। और अब साथ में डालूंगी कुटी हुई काली मिर्च, अच्छी तरह डाल दें, वो आप तेज़ कम या ज़्यादा कर सकते हो अपने टेस्ट के हिसाब से। मैं ज़रा इसको स्पाइसी रखूँगी, और आप इसको फिर हैंड से अच्छी तरह रब करना है, ताकि ये बिल्कुल इवनली नमक और ये सब कुछ इसमें जज्ब लग जाए। जी नाज़रीन, अब ड्रमस्टिक्स की कोटिंग और फिलिंग के लिए क्या क्या हमें चाहिए। फिलिंग के लिए हमें चाहिए चेडर चीज़, और ब्रेड कोटिंग के लिए चाहिए ब्रेड क्रम्स, 3 अंडे मैंने निकाल तोड़ लिए हैं फेंट लिए अच्छी तरह, मैदा, गरम मसाला, नमक और पेपरिका पाउडर। आप हसबे जायका गरम मसाला डालें मैदे के अंदर, पेपरिका पाउडर डालें और नमक डालें, नमक ऊपर भी लगाया हुआ है, और हसबे जायका इसमें मैदे में भी डाल दें। अब हम मैदे को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, ताकि इवनली इसमें सारा मसाला मिक्स हो जाए। देखें अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम अपने अंडों को भी फेंट लेते हैं, इसे बहुत खुले बर्तन में नहीं लेना, बंद ही बर्तन में लें, ताकि वो इसके अंदर पूरी डिप हो सके ड्रमस्टिक। आपने भी प्लीज़ ऐसे ही करना। तो सबसे पहले एक ड्रमस्टिक लें ऐसे, इसको ऐसे बीच में से खोल लें, इसके अंदर हम एक टुकड़ा चीज़ का रखते हैं अच्छे से, फिर ऊपर से अच्छे से इसको बंद करना है, बंद करके आपने इसको मैदे में अच्छे से ऐसे लपेट देना है। जैसे अगर नहीं हो तो आप इसको ऊपर से वो लगा सकते हैं अंडा, ऊपर से हम टूथपिक भी लगा सकते हैं इसको बंद करने के लिए। अब
इसको हम अंडे में डिप करेंगे। अंडे में डिप करने के बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स लगाएंगे ऐसे। अच्छे से हमारा इसका वो बंद हो जाएगा। इसको रखते जाएंगे बना के, फिर आपको दिखाएंगे ऐसे। जी व्यूअर्स, ये हमने अपने सारे ऐसे कर लिए। अब मैं इनको फ्रीज़ कर दूंगी और जिस दिन हम इसको अफ्तारी में फ्राई करेंगे तो उस दिन मैं आपके साथ अपनी अफ्तारी ज़रूर शेयर करूंगी। तो इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।